हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मुकेश और मैं बिहार के पटना जिला के एक छोटे से गांव में प्राइमरी टीचर हूं। मैं आप सबके सामने सरकारी विद्यालय और बच्चों से संबंधित कुछ बातें रखना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सरकारी स्कूल में पढ़ाना बस पढ़ाना भर नहीं होता, ये पढ़ना होता है हालात को जिसमें हमारे बच्चे रह रहे हैं, जी रहे हैं। एक ही क्लास में एक को 20 तक पहारा आता है तो दूसरे को गिनती की समझ तक नहीं है। मानसिक स्तर पर देखा जाए तो हर कक्षा में कम से कम 5 ग्रुप बनेंगे। बच्चों पर हाथ उठाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चाहता हूँ कि वो स्कूल से डरे नहीं, स्कूल को प्यार करें, मगर कैसे? मैं उनको गिनती सिखाना चाहता हूँ, वो खिड़की से झूल रहे होते हैं। मैं वर्णमाला की पहचान कराना चाहता हूँ, वह कटोरे पर अपने पेन से संगीत की प्रैक्टिस करने में लगे रहते हैं। मैं चाहता हूँ वो फूल, पक्षी, तितली, बादल बनाए, पर कैसे? न कागज़ है न रंग है। रंग तो खैर उनके जीवन में है ही नहीं कहीं। चर्बी चिक्स, डिम्पल चिन्ह, रोजी लिप्स, ये सब बड़ी कथा की बातें हैं। इनके कर्ली हेयर में सालों से तेल नहीं पड़ा है, बुरी तरह उलझे हुए हैं। पिछले साल के यूनिफॉर्म में एक भी बटन सलामत नहीं है। इनके आंखों में पीलापन है, कई बार ये पीलिया के शिकार भी हो जाते हैं। धान रोपने की वजह से इनके पैर की अंगुलियों में सड़न हो गया है। मैं उनके साथ सख्त होने की कोशिश करता हूँ पर असफल रहता हूँ। उनके साथ तो ज़िंदगी ही इतनी सख्त है। स्कूल का हैंड पंप एक गड्ढे में है, उसमें बरसात का पानी भरा रहता है। उस नल का पानी पीने का जी नहीं करता, लेकिन उन बच्चों के बीच घर से ले जाई गई बोतल का पानी पीना मुझे भीतर तक झकझोर देता है। जिस बच्चे को कॉपी न होने के कारण पिता को बुलाकर लाने को कहा था, पता चला उसके पिता हैं ही नहीं। कुछ बच्चे क्रूर शब्दों में कहूँ तो मंद बुद्धि हैं, ये अतिरिक्त ध्यान चाहते हैं, नहीं संभव हो पाता है, प्यार की भाषा समझते हैं, इसलिए हर जगह पीछे पीछे रहते हैं। पढ़ाने में बाधा होती है तो डांट देता हूँ, अपनी क्लास में जाओ, ये रो पड़ते हैं। मैं शर्मिंदगी के एहसास से भर उठता हूँ अपने जंगलीपन पर। इनको मनाता हूँ, ये फिर पहले की तरह मेरे पीछे पीछे लग जाते हैं। ये अक्सर कॉपी कलम नहीं लाते, मुझे गुस्सा आता है, कैसे पढ़ाऊँ, कैसे लिखना सिखाऊँ, लेकिन अक्सर ये कच्चे पक्के अमरूद लाते हैं मेरे लिए, कभी कभी बेर भी लेते हैं। बड़ी मुश्किल से हासिल इस मौसमी फलों में से वे अपने लिए एक भी बचाना ज़रूरी नहीं समझते। IAS, डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का ख्वाब मैं किन आँखों से देखूं? हर रोज़ बस भगवान से यही एक विनती करता हूं कि ईश्वर बस ऐसी मुश्किल में कभी न डाले कि तुम्हारी ये निश्चलता खो जाए। इतने ताकतवर बनो कि हर तकलीफ, हर मुसीबत तुम्हारे आगे घुटने टेक दे। बस यही एक दुआ है।